नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये मेरी एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज का लेक्चर 33 है और उसका पीछे वाला रह गया है मेरा, ये पार्ट 8 है। 7 पार्ट ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। अगर आपने ना देखे हो, संतान के बारे में चल रही है सीरीज, ये ना देखे हो तो www.shivaniastro.com पर जाके विजिट करके आप ये वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं सारे पार्ट्स। इसमें यही बताया गया है कि संतान कब होगी, कैसी होगी, आपकी इज्जत करेगी नहीं करेगी, आपका कैसा उसके साथ संबंध रहेगा, और लड़का होगी लड़की होगी, संतान कैसी होगी, इसके बारे में सारा बताया जा रहा है। तो ये इस सीरीज़ के अंदर, इससे पहले वाली सीरीज़ में मैंने बताया था कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि संतान की संख्या कितनी आएगी, और वो संतान की संख्या डिपेंड बताया था पहले क्लासिकल्स के बेस पे, कि जो शास्त्र हमारे हैं, जो वैदिक शास्त्र हैं या जो हमारे ज्योतिष के शास्त्र हैं, उनके अंदर जो दिया हुआ है उसके बेस पर दिखाया था। और ये भी मैंने आपको बताया था कि उनको आज एज इट इज़ इम्प्लीमेंट मत कीजिए, क्योंकि आज के हिसाब से देशकाल पात्र में अब सिस्टम चेंज हो गया है। अब सब जितने भी युवक हैं युवतियां हैं वो सब फैमिली प्लानिंग सिस्टम जानते हैं पूरा, और सब उतने ही संतान चाहते हैं जितने की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की जा सके। पहले ज़माने में ये फैमिली प्लानिंग सिस्टम नहीं था, तो उस समय जो हमारे क्लासिकल्स हैं जिनमें लिखा हुआ है वो सब चीज़ें काफ़ी कुछ सत्य उतरती थी। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक और मेथड कि कैसे संतान कैलकुलेट करते हैं। पहले मैंने आपको मेथड बताया, उसके अंदर जो अप्रॉक्सीमेटली करीब करीब मेथड आया था वो भी मैंने आपको बताया कि उस मेथड से भी आप ये देख सकते हैं। इसमें मैं आपको एक नया मेथड बताने जा रहा हूँ, इस मेथड से भी आप संतान को चेक कर सकते हैं, और इसमें भी थोड़ी सी रिसर्च की हुई है कि कैसे, और उसको रिफाइन वे में देखें। हालांकि ये भी क्लासिकल का है, फलदीपिका में ये दिया हुआ है मेथड ये वाला, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा कुछ एडिशन किया है हमने, थोड़ा रिसर्च करके मैंने देखा है कुंडलियों पे, तो वो ठीक बैठ रहा है। तो आप भी उसको एक बार चेक कर सकते हैं और कमेंट्स करके सूचना दे सकते हैं मुझे कि आपका वो कैलकुलेशन उस हिसाब से ठीक आती है या नहीं आती है। और ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ फलदीपिका वाला, जो रिसर्च करके मैंने बनाया है, वो मेथड बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके जन्म 1980s के बाद के हैं, जो आज की डेट में 40-45 साल तक की एज के लोग हैं, उनसे या उनसे छोटे जितने भी हैं वो सब इसमें कवर होते हैं। क्योंकि जब ज़माना बहुत वेल नोन है और हर तरह के फैमिली प्लानिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं, उस पात्र के हिसाब से, आजकल के पात्र के हिसाब से वो एक सिस्टम इसमें दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि आप जानते हैं अष्टक वर्ग बनाया जाता है। अष्टक वर्ग में यहाँ पर आपको नहीं समझा पाऊँगा, आप कुंडली के मैंने टाइमिंग्स दिए हुए हैं, प्लेस ऑफ बर्थ दी हुई है, इसके द्वारा आप इस कुंडली के अष्टक वर्ग निकाल सकते हैं। अष्टक वर्ग कैसे बनाते हैं वो, उसके लिए चाहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा वो निकालने के लिए, बट यहाँ पे क्योंकि समय का अभाव है तो इसलिए मैं अष्टक वर्ग से नहीं आपको बदमस्ती निकालना सिखा रहा हूँ, या सिर्फ बता रहा हूँ कि अष्टक वर्ग को कैसे रेफर करना है। तो आप कभी भी कोई भी कुंडली बनाइए, आप किसी भी, आपके पास कोई ना कोई प्रोग्राम होगा, सॉफ्टवेयर होगा, उसमें जब ये टाइमिंग्स और ये सब प्लेस वगैरह बर्थ डालेंगे तो उससे आप देख सकते हैं अष्टक वर्ग के अंदर जाके। उसमें मेनली देखना है आपको बृहस्पति का अष्टक वर्ग, बृहस्पति का, गुरु का। जुपिटर का अष्टक वर्ग आपको देखना है, तो जुपिटर का अष्टक वर्ग आप देखिए, जुपिटर का अष्टक वर्ग ये आपको देखना है। इसको भिन्नाष्टक वर्ग बोलते हैं क्योंकि हर ग्रह के अलग अलग अष्टक वर्ग बनते हैं, उनको भिन्नाष्टक वर्ग बोला जाता है, जो कि गोचर के हिसाब से, गोचर में बहुत काम आते हैं कि गोचर में वो ग्रह कैसा अपना रिजल्ट देंगे वो देखने के लिए बहुत काम आता है इसके अंदर। और तो इसके लिए मेन, चूंकि जुपिटर जो है वो पुत्र संतान कारक है, उसी से पुत्र या पुत्री का कारक हमारा जुपिटर होता है, इसलिए जुपिटर का अष्टक वर्ग इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट है कि जुपिटर का अष्टक वर्ग देखें। दूसरी चीज़ ये है कि संतान को हम पांचवें भाव से देखते हैं, तो इसलिए इसके अंदर जो ये शास्त्रों में बताया है या जो फलदीपिका में इसकी व्याख्या की गई है वो यही है कि बृहस्पति के अष्टक वर्ग में, जुपिटर के अष्टक वर्ग में, जुपिटर जहाँ बैठा है वहाँ से पांचवी राशि में कितने पॉइंट्स हैं वो देखिए आप। तो जितने पॉइंट्स वहाँ मिले हुए हैं उतने ही संतान संख्या होती है। जुपिटर जहाँ बैठा है उससे पांचवी राशि में कितने पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स को आप देख लीजिए, जितने पॉइंट्स वहाँ पर आएंगे उतनी संतान होती है, ये जुपिटर के अष्टक वर्ग से मालूम चलता है। अब दरअसल मेरे पे अष्टक वर्ग दिखाने का यहाँ पे कोई साधन ऐसा है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कितने पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि बिल्कुल रियल हैं, और आप ये चीज़ डाल के सॉफ्टवेयर से भी चेक कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट कुक किया हुआ है, बिल्कुल सेम पॉइंट्स उसके अंदर बताए गए हैं।
जैसे एग्जाम्पल वन है, एग्जाम्पल वन में देखिए कि जुपिटर, जुपिटर आपका दसवीं राशि में है, तो टेंथ राशि में है मकर में, तो मकर से पांचवी राशि में यानी 10, 11, 12, 1 और 2 यानी पांचवी राशि हो गई हमारी वृष। वृष राशि में जुपिटर के अष्टघर में कितने पॉइंट मिले हैं वृष राशि को, सब ग्रहों ने कितने पॉइंट दिए हैं ये देखना आवश्यक हो जाता है इसके अंदर कि कितने पॉइंट जुपिटर के अष्टक वर्ग में जहां जुपिटर बैठा है उससे पांचवी राशि को मिले हैं। तो पहली कुंडली के अंदर अगर आप देखेंगे सॉफ्टवेयर से बना के इस कुंडली को देखेंगे तो पहली कुंडली में ये जो हमारे आते हैं अष्टक वर्ग पॉइंट हमारे जो आते हैं ये 5 पॉइंट आते हैं। लेकिन इसका मतलब संतान की संख्या 5 होनी चाहिए बट एक्चुअल में कितनी है 4। तो थोड़ा करीब करीब आया लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक नहीं आया। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, दूसरे एग्जाम्पल में जुपिटर हमारा बैठा है, जुपिटर अब देखें तो धनु राशि में बैठा है, धनु राशि में बैठा है जुपिटर, तो इससे पांचवी राशि कौन सी होगी, 1, 2, 3, 4, 5 मेष राशि हो जाएगी आपकी पांचवी राशि इससे जुपिटर से, तो मेष राशि आ गई। मेष राशि में जुपिटर के अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट दिए हैं ये देखने हमें वाली बात है। तो मेष राशि में जुपिटर के अष्टक वर्ग में जो हमारे पॉइंट्स हैं वो आते हैं खाली, पॉइंट्स आते हैं खाली 2, 2 पॉइंट्स आते हैं। हालांकि ये भी आंसर करीब करीब ठीक आता है क्योंकि इनके एक बच्चा सर्वाइविंग चिल्ड्रन अभी एक है, तो ये इसको भी हम करीब ठीक मान सकते हैं क्योंकि सर्वाइविंग चिल्ड्रन का 1 है, तो ये भी इसके हिसाब से करीब करीब ठीक आता है। अब तीसरे वाले इसके अंदर आते हैं कुंडली के अंदर, इसमें देखते हैं तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि जुपिटर अगर आप देखें, जुपिटर आपका मिलेगा आपको मकर, इस राशि में मकर राशि में, मकर राशि से पांचवी राशि देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यानी वही वृष राशि आ गई। अब वृष राशि में ये एग्जाम्पल 3 की बात कर रहा हूँ, वृष राशि में एग्जाम्पल 3 में पॉइंट मिले हैं 4, चार पॉइंट्स मिले हैं जबकि बच्चा एक्चुअल में है 1, तो ये भी करीब करीब ठीक नहीं आता अष्टक वर्ग का। तो ये देखने में आ रहा है कि अष्टक वर्ग के मेथड को अगर आप 10-15 कुंडलियों पर लगाएंगे तो चांसेस हैं कि 80% टाइम, 70-80% टाइम ये बताएंगे सच कि कितना वास्तव में है संतान संख्या, लेकिन 30% चांसेस हैं अभी भी इसमें टेंटेटिव दिखाने के कि ऊपर नीचे इसमें से हो सकता है कि एग्जैक्टली संख्या आपको ये ना बता पाए। इसमें छोटा सा एक संशोधन जो है जो मैंने किया है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ये देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर ये जो एग्जाम्पल 3 है हमारा, एग्जाम्पल 3 को ही मैं नोट करता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट कुंडली है, 17 जनवरी 1986 की कुंडली है। तो इस मैंने जैसे कहा था कि 1980 के बाद के बच्चों के लिए जो आज की डेट में 40 साल के या 39 साल 42 साल 45 साल तक के भी हैं उनके लिए ये तरीका काफ़ी कुछ ठीक बैठता है और उसके रिजल्ट करीब 80-90% आते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो इस राशि में टोटल मिला के बृहस्पति को, बृहस्पति से पांचवा, बृहस्पति के अष्टक वर्ग में यानी जुपिटर के अष्टक वर्ग में जुपिटर कहाँ बैठा है, 10 नंबर राशि में, तो यहाँ से पांचवा क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर मिले हैं 4 पॉइंट्स अष्टक वर्ग में, अष्टक वर्ग में 4 पॉइंट्स मिले हैं वृष राशि को। तो वृष राशि में जो 4 पॉइंट्स देने वाले हैं वो देने वाले हैं मार्स 1, वीनस 1, मरकरी 1 और लग्न 1। ये 4 पॉइंट ऐसे मिले हैं। तो उस क्लासिकल के हिसाब से तो ये होना चाहिए कि था कि 4 पॉइंट इसमें आ रहे हैं तो 4 ही बच्चे होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चा 1 है खाली इनके। तो इसमें इस सिद्धांत को कई जगह हमने लगा के देखा, इस सिद्धांत को इसमें मॉडिफाई करके, तो इसमें एक सिद्धांत ऐसा है जो पाया करीब 80% से ऊपर ही वो ठीक बैठता है, उसको आप चेक कर सकते हैं
कि ये देखिए कि जुपिटर के अष्टक वर्ग में जो पॉइंट्स मिले हैं, जिन ग्रहों ने पॉइंट्स दिए हैं, एक तो उनमें से जुपिटर के मित्र कौन है? वीनस जुपिटर का मित्र नहीं है, मरकरी जुपिटर का मित्र नहीं है, मार्स जुपिटर का मित्र है, एक पॉइंट, लग्न से अभी नई बात हो रही है तो यहां एक पॉइंट आ गया। अब लग्न में भी एक बच्चा है तो यहां लग्न का पॉइंट नहीं लेंगे, क्योंकि लग्न आदमी स्वयं है, तो स्वयं की संतान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो स्वयं को नहीं लेना है इसके अंदर। तो कहने का मतलब यह है कि एक बच्चा आ गया इस केस में। तो आप ये देखिए कि जुपिटर जहां बैठा है उससे पांचवी राशि में जुपिटर के भिन्नाष्टक वर्ग में सब ग्रहों ने मिलकर उस राशि को कितने पॉइंट दिए हैं, और उस पॉइंट जो ग्रहों ने पॉइंट दिए हैं उनमें से कितने ग्रह ऐसे हैं, लग्न को छोड़ दीजिए, माइनस कर दीजिए, कितने ग्रह ऐसे हैं जो जुपिटर के मित्र हैं, तो मित्र वाले काउंट कर लीजिए, तो जितनी संख्या आए उतनी संतान संख्या आपकी काफ़ी नियरेस्ट रिजल्ट आपका आता है। तो इसमें ये एक रिजल्ट आता है। इसमें एक चीज़ खाली होती है कि अगर लग्न ने पॉइंट दिया हुआ है, लग्न का पॉइंट ऑलरेडी हमने इसमें कंसिडर नहीं किया है, हमने खाली प्लैनेट्स के पॉइंट कंसिडर किए हैं, बट फिर भी अगर लग्न ने पॉइंट दिया है तो चांसेस होते हैं कि बच्चा आपकी बहुत सेवा करेगा और आपकी बहुत इज्जत करेगा। तो ये एक तरीका है देखने का जो काफ़ी कुछ सटीक बैठ जाता है। हालांकि अष्टक वर्ग वाला जो फलदीपिका में तरीका मैंने आपको बताया वो खुद भी काफ़ी कुछ 60% 70% से ऊपर कुंडलियों में ठीक मिल जाएगा आपको, बट फिर भी एक बार जो तरीका मैंने आपको ये बताया कि इस कुंडली में देखिए कि जो जुपिटर से पांचवें घर में राशि में जितने पॉइंट्स मिले हैं उसमें मित्र ग्रहों ने कितने पॉइंट दिए हैं माइनस लग्न के पॉइंट, तो वो आपकी चाइल्ड संतान संख्या के नियर अबाउट आ जाता है और इससे करीब 80% से ऊपर के रिजल्ट मिलते हैं। तो आप भी इन्हें कुंडली में सब चेक कीजिएगा और अपने अनुभव बताइएगा, एक्सपीरियंस बताइएगा कि आपने क्या कुंडली में देखा डिफरेंट डिफरेंट कुंडलियों में। तो लेकिन देखने से पहले एक बार कुंडली करीब 10-15 कुंडली जरूर देखिएगा ताकि उससे रिजल्ट आपके सामने आता है, कोई एक देख के ही वी कैन नॉट डिसाइड के वो देख लिया उसको। तो 15-20 कुंडली देखिए, उसके बाद देखिए 15-20 कुंडली में से कितनी कुंडली में रिजल्ट हमारा यही आता है, देन उसके बाद हम लोग मान सकते हैं कि हाँ ये है। जितनी कुंडली मेरे पास थी मैंने देख ली है तो मुझे लग रहा है कि 80% से ऊपर ही रिजल्ट आया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कोई चीज़ में आपको ना समझ आई हो तो आप www.shivaniastro.com पे जाके वीडियो सेक्शन में दोबारा से ये वीडियो देख सकते हैं और कमेंट्स डाल के कभी भी पूछ सकते हैं, कोई इसके अंदर मना नहीं है। और आपको बस इतना आपसे खाली प्रार्थना है कि आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए मोटिवेशन बन जाता है और मुझे नई नई वीडियो डालने का हौसला मिलता रहता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।